दोस्तों एक बार फिर स्वागत है। हिंदी साहित्य की हम बात करेंगे प्रमुख छायावादी साहित्यकारों में महादेवी वर्मा के बारे में, जिनको आधुनिक भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर भी हम ट्रिक के साथ इनकी रचनाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था होली के दिन 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इन्होंने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी स्थापना करी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी भी प्रधानाचार्य भी रही और कुलपति भी रही। और इनकी भाषा का एक विशिष्ट स्तर है जो स्वभावतः संस्कृत शब्दावली की ओर झुका हुआ है। मतलब संस्कृत की तरफ झुका होने का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जो वर्ड्स यूज करे गए हैं वो संस्कृत की तरफ झुके हुए हैं। एक सफल रेखा चित्रकार, एक सफल कवित्री और एक सफल विचारक महादेवी वर्मा हैं। और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। निराला ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा भी दी हुई है। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होंगे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की गई थी। और वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में भी मनाया जा चुका है। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये जीके का क्वेश्चन बनता है। हिंदी में जनरली ऐसे क्वेश्चन एसआई में तो नहीं पूछे जाएंगे। और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। ठीक है, अब शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार है हिंदी का जो इनको नहीं मिला हो। तो आप ये देख सकते हैं, शेख सरिया पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, द्विवेदी पदक, साहित्य अकेदमी फेलोशिप और मंगला प्रसाद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। तो रचनाओं में सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं इनकी जो काव्य है उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांधगी, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा। ठीक है, और जो गद्य है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, विविध संकलन जो है स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध, और उसके बाद पुनर्मुद्रित संकलन जो है वो है यामा, दीपगीत, नीलांबरा और आत्मिका। इसके बाद निबंध जो है वो है श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता। इसके अलावा जो ललित निबंध है वो है क्षणदा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको खुद याद करने हैं, मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया करो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ऐसे ही आप पढ़ लिया करो, तो ये आपका जो माइंड होता है ना ये इस तरीके से ट्यून्ड होता है। एक्चुअली भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि कहीं म्यूजिक मिलता है ना कहीं दूसरा तरीका चेंज होता है तो वो माइंड उस चीज को जल्दी ग्रैप कर लेता है। तो जैसे अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, स्मारिका, स्मृति, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध, ठीक है, तो आपको ऐसे जल्दी ये याद हो जाएगा। याद नहीं होगा आपको दोस्तों, आपके माइंड में फीड हो गया है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको एकदम से क्लिक करेगा, नहीं यार ये महादेवी वर्मा की रचना है, मैंने इसको ऐसे याद किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे इनको याद करें। बाकी काव्य की और गद्य की जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं काव्य पे। देखिए निहार के रश्मि को, मतलब रश्मि को निहार रहा है कौन? निहार रहा है नीरज, निहार रहा है। निहार के रश्मि को नीरज ने शाम को दीप शिखा के साथ 7 बार यम्मा यम्मा किया। अब यम्मा यम्मा आपने वो गाना सुना होगा, एक यम्मा यम्मा करके होगा, मैं गा के नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये निहार के रश्मि को नीरज ने शाम को, ये ने है आपका, नीरज ने शाम को दीप शिखा के साथ 7 बार यम्मा यम्मा किया। ठीक है, अब देखिए निहार से क्या बन गया, निहार, रश्मि से रश्मि बन गया, नीरज से नीरजा बन गया और शाम से बन गया सांधे गीत। अब यम्मा यम्मा क्या कर रहा होगा, गीत ही कर रहा होगा ना। ठीक है, फिर है आपका दीपशिखा, तो है जिट इज दीपशिखा आपको ट्रिक में मिले, और यामा से हो गया आपका यम्मा यम्मा, और सप्तपर्णा से हो गया आपका 7 बार, सप्त मतलब 7 बार। ठीक है, तो निहार की रश्मि को नीरज ने शाम को दीप सखा के साथ 7 बार यम्मा यम्मा किया। ऐसे ही आपके जो गद्य है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र के संस्मरण से मेरे परिवार के पथ पर स्मृति की रेखाएं बन गई। सिंपल सी बात है, अतीत के चलचित्र मतलब, चलचित्र मतलब क्या हो गया, हम सब कुछ सोच रहे हैं सिनेमा टाइप से, चलचित्र सिनेमा को बोलते हैं, सब कुछ हमारे माइंड में चल रहा है अतीत के चलचित्र। तो संस्मरण मतलब क्या हो गया, याद, याद आ गई हमें अतीत के बारे में, जो अतीत चल रहा था हमारा उसकी याद आ गई। तो उससे क्या हुआ, मेरे परिवार का जो पथ था उस पर स्मृति की रेखाएं बन गई। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो अतीत के चलचित्र, संस्मरण, मेरे परिवार, मेरा परिवार और
पथ से हो जाएगा आपका पथ के साथी, और स्मृति की रेखाएं से आपका क्या बन जाएगा, स्मृति की रेखाएं। तो दोस्तों इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों तो ये है हमारी महादेवी वर्मा की रचनाएं, और ये हुआ आपका वीडियो फिनिश। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पे शेयर करें, और कोई टॉपिक और आप चाहते हैं, कोई साहित्यकार और आप चाहते हैं जो मैं पहले बना के आपको दूं, तो आप वो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।